परम कृपालवे नमः। श्री गुरु परम दयालवे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्य नमो नमः। वंदम गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु कृपा रवि कर निकर। जेहि सुमिरत सिद्धि हो गण नायक करिवर वदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपे मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तः स्थमेश्वरम्। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल जय गोपी चित चोर हरि जय जय माखन चोर। नमः कृष्णाय कृष्णाय राधाय माधवाय परिपूर्णतमाय च हरे मत्सम पातकी नास्ति भूमौ। हरे मत्सम नास्ति पातकी नास्ति भूमौ तथा त्वत्समो नास्ति पापापहारी तथा त्वत्समो नास्ति इति त्वं च मत्वा जगन्नाथ देव इति त्वं च मत्वा श्री गोविंद देव। यथेच्छा भवेते तथा मां कुरु त्वं यथेच्छा भवेते तथा मां कुरु त्वं। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्रने येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे
शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसार सर्पग्रस्तम यो विष्णुरातमुमुचत। कालिकायै नमस्तुभ्यं सर्वदा मोक्षदायिने कालिकान्तुकलातीतां सर्वदा प्रणमाम्यहम्। अवतारो हरेर्योऽयं कीर्तयेदहं मम नरः संकल्पास्तस्य सिद्ध्यन्ते सयाति परमां गतिम्। बोलो श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। महाराज श्री परीक्षित जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री गोविंद देव भगवान की जय। श्री गोविंद देव भगवान की जय। श्री गिरधर गोपाल की, श्री राधा रंग बिहारी लाल की, श्री गोवर्धन नाथ की, श्री गिरधर गोपाल की जय। जय जय श्री राधे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल प्यारे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद गोविंद हे गोपाल
की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्री राधा रंग बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। ब्रजेश्वरी महेश्वरी कृपेश्वरी अखिलेश्वरी परम कृपामयी दयामयी करुणामयी श्री राधे जी की कृपा के परिणाम स्वरूप आज हम समस्त वैष्णव जन भगवत कथा गंगा का आनंद लेने के लिए भगवत कथा गंगा में गोता लगाने के लिए या कि त्रिलोक पावनी भगवत कथा गंगा के दिव्य कथा जल का आनंद लेने के लिए हम समस्त बड़भागी वैष्णव जब यहां इकट्ठे होकर के आज भगवान की त्रिलोक पावनी कथा का आनंद ले रहे हैं। यह अपना कोई पुरुषार्थ नहीं, यह सिर्फ और सिर्फ श्री गोविंद देव जी के श्री चरण कमल की कृपा का परिणाम है। भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए और श्रीमद् भागवत कथा महात्म से सप्त दिवसीय इस महाज्ञान यज्ञ का शुभारंभ करते हुए आइए बोलो श्री राधा रंग बिहारी लाल की। श्रीमद् भागवत कथा महात्म्य अर्थात भगवान ने किन किन महान 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 भूरी भूरी बड़भागी जीवों पर कृपा की और हम भवतप्त लोगों के लिए जीवों के लिए ये उपदेश दिया कि कदाचित भवसागर के इस कटीले कंकरीले मार्ग में चलते चलते कठिनाइयां आएंगी आपत्तियां आएंगी, लेकिन मेरे वैष्णवों मेरे साधकों मेरे सिद्धों घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप समस्त बाधाओं को पार कर जाओगे, आप समस्त समस्त कठिनाइयों को पार कर जाओगे। कब? जबकि आप इस कथा गंगा से जुड़े रहो। यही श्रीमद् भागवत कथा की महिमा और इसी को विभिन्न विभिन्न उपाख्यानों के माध्यम से आप तक पहुंचाया गया है। प्रथम श्लोक सच्चिदानंद रूपाय विश्व त्यादि तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् नमः। सच्चिदानंद परब्रह्म परात् पर परब्रह्म श्री कृष्णचंद्र सच्चिदानंद तीन पदों का योग है, सत चित और आनंद। सत अर्थात भगवत निमित्त जितने भी कर्म किए जाते हैं, भगवान को आधार मान करके जो कर्म किए जाते हैं वो सब भगवत संबंधी कर्म, सब सत कर्म है।
यज्ञ है, दान है, तप है, भजन है, ये सब सत की कोटि में आते हैं। सत का अभिप्राय है सत्ता से, सत्ता का अभिप्राय है कि भगवान सर्वथा सर्वत्र समभाव से विराजमान रहते हैं, यही सत का अभिप्राय है। अर्थात जब कोई नहीं था तब भी भगवान थे, आज सब कुछ दिखाई दे रहा है अब भी भगवान है, और एक दिन महाप्रलय के समय जब कोई नहीं रहेगा परमपिता परमात्मा परब्रह्म श्री कृष्ण उस समय भी विराजमान रहेंगे। तो जिनकी उपस्थिति सर्वदा सर्वकाल में सर्वत्र समान रूप से व्याप्त है ऐसे भगवान है सत्स्वरूप। सच्चिदानंद रूपाय चित्त, चित्त का अभिप्राय चैतन्यता, चैतन्यता का अभिप्राय जागरूकता, जागरूकता का अभिप्राय ज्ञान। अर्थात भगवान चित्त स्वरूप है, अर्थात भगवान ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप का अभिप्राय क्या है कि प्रत्येक जीव ने कोटि कोटि जन्मों में, पहले जन्मों में और आने वाले जन्मों में जीव क्या किया है, क्या कर रहा है, इसको क्या फल होना है, इस समस्त समस्त का भान केवल और केवल ब्रह्म को होता है, केवल परमात्मा परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण को होता है। अर्थात मैंने, अर्थात किसी जीव ने अपने कोट कोट जन्म पूर्व क्या कर्म किए थे, इस तरह असंख्य असंख्य बल्कि सभी जीवों के बारे में जो पूर्ण तत्व को जानते हैं उनको कहते हैं चित स्वरूप। जिन्हें तीनों कालों का ज्ञान है, जो स्वयं ज्ञान स्वरूप है, जो स्वयं काल स्वरूप है, ऐसे परात पर परब्रह्म श्री कृष्ण परमात्मा सच्चिदानंद रूपाय। तीसरा पद है आनंद। आनंद का अभिप्राय है कि भगवान के पास क्लेश कष्ट कुत्सना आदि आदि भगवान के पास फटक भी नहीं सकते। अरे भगवान की तो बात छोड़ो, भगवान के निज जनों के पास भी ये दुख द्वंद फटक नहीं सकते। अतः जो सर्वदा आनंद स्वरूप है, जो सदा आनंद के दाता है, जो सदा सदा आनंद के अधिष्ठाता है, जो आनंद ही आनंद के रूप में व्याप्त हैं, जो आनंद ही भगवान का स्वरूप है, ऐसे सच्चिदानंद रूपाय, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा परब्रह्म श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे, संसार की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय इस सब को संकल्प मात्र से संपन्न कर देने वाले, इच्छा हुई काम पूरा हो गया। तो जो संसार की उत्पत्ति के कारण है, जो संसार की स्थिति के कारण है, जो संसार के प्रलय के कारण है, विश्वोत्पत्यादि हेतवे, और जो इन तीनों का कारण है, वेदों में उसको ब्रह्म कहा गया है। तो तीनों के कारण होने के कारण पराग पर परब्रह्म की उपाधि को प्राप्त हुए भगवान श्री कृष्ण को हम बार बार नमस्कार करते हैं। विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के दैहिक दैविक भौतिक समस्त समस्त पापों को, समस्त समस्त तापों को, समस्त समस्त दुखों को, जिनके नाम मात्र से जीव को मुक्ति मिल जाती है, सब दुखों से मुक्ति मिल जाती है, ऐसे पराग पर परब्रह्म श्री कृष्णाय परम ब्रह्म श्री कृष्णाय वयम नमः, ऐसे पराग पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम बार बार नमस्कार करते हैं। ईश्वरः परमः कृष्णः
सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। अब ये कथा जो है भागवत के श्री सुखदेव जी ने कही है और महाराज परीक्षित ने सुनी है, अतः सुखदेव जी की वंदना करते हैं। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेति कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानितोषि। जो सदैव सुकुमार अवस्था में रहते हैं, जिनकी छटा दिव्याति दिव्य, जो जन्म लेते ही नाल को कंधे पर डाल करके तपस्या के लिए वन की तरफ निकल पड़े, और उनके सुखदेव जी के पिताजी, ऐसे सुखदेव जी के पिताजी श्री व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं। हे पुत्र जरा बात तो सुनो, अभी तुम्हारे नालोच्छेदन, अभी तुम्हारे जन्मजात संस्कार भी नहीं हुए हैं, अतः ऐसी अपवित्रावस्था में तुम कहां जा रहे हो। तो उनकी व्यास जी की इस बात को सुनकर के मानो उपस्थित वृक्ष की सघन वृक्षावली ने उनको जवाब दिया। सुखदेव जी नहीं बोले, वृक्षावली जवाब दे रही है कि महाराज व्यास जी, जिसको संसार की माया से मलिनता प्राप्त हुई ही नहीं है, अर्थात जो जन्म से ही पवित्र है, उसको संस्कार कराने की क्या आवश्यकता है। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयम् मुनिमानितोऽस्मि। ऐसे सर्वदा पवित्र रहने वाले पूज्य सुखदेव जी को हम नमस्कार करते हैं। महाराज एक समय की बात है, समस्त ऋषिगण 88,000 सोनक आदि ऋषिगण नैमिषारण्य के पावन स्थल पर विराजमान है, नैमिषारण्य में विराजमान है कि अचानक सूत जी आ गए। जब सूत जी आ गए तो 88,000 ऋषि उनको देख करके खड़े हो गए, उनमें सोनक जी प्रमुख हैं। सब खड़े हो गए, खड़े होकर के उनको कृतांजलि करके प्रणाम किया है, प्रदक्षिणा की है, और एक सुंदर दिव्य भद्र वेदी पर उनको विराजमान किया है, सुंदर उच्च आसन पर व्यास गद्दी पर विराजमान कर दिया है, और निवेदन किया है सोनक जी ने हाथ जोड़ करके, नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम कथामृतिरथा स्वाद कुशल सोनको ब्रवी। ऐसे भद्र वेदी पर विराजमान सूत जी को देख करके खड़े होकर के हाथ जोड़ करके बड़ी विनम्रता के साथ सूत जी को प्रसन्न करते हुए अपनी मधुर वाणी से सोनक जी बोले, पहले आपको प्रणाम है प्रभु, आप तो समस्त समस्त पुराणों के विद्वान हैं, जानने वाले हैं, भगवत चरित्र को जानने वाले हैं, भगवत लीलाओं को जानने वाले हैं, अतः आपके श्री चरणों में हमारा निवेदन है कि हमें ऐसी कथा सुनाओ, ऐसे भगवान के चरित्रों का गुणगान सुनाओ, ताकि भव व्याधि से व्याधित हमारे कानों को वो औषधि स्वरूप स्वास्थ्य प्रदान करने वाले हों, हमारे बीमार कानों को निरोगता प्रदान करने वाले हों। साष्टांग दंडवत करते हुए सोनक जी ने कहा, नैमिषारण्य तीर्थ में
महाराज, अगर किसी से ज्ञान प्राप्त करना है, अगर किसी के सामने कोई प्रार्थना करनी है, तो जैसे पुत्र पिता के लिए जो आचरण करता है, शिष्य गुरु के लिए जो आचरण करता है, ऐसे बड़ी भक्ति भाव से विनम्र हो करके ही अगर हम प्रार्थना करें तो ही गुरुजन, तो ही विशिष्ट जन, तो ही संतजन, तो ही ब्राह्मण विद्वानगण प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के अपने गुणा तिगुण ज्ञान को उस विनम्र और योग्य पात्र को प्रदान कर देते हैं। कब? जब शिष्य में विनम्रता हो। कब? जब शिष्य में जिज्ञासा